हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्ट्रॉबेरी स्पिनच सैलड बना रहे हैं हम आज। एक यूनिक सैलड रेसिपी है जो कि विंटर्स में बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए इसे फटाफट ट्राई कर लेते हैं। ये सैलड आप जब भी बनाएंगे तो सब आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जनरली ये सैलड आपको बहुत फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में ही खाने को मिलता है और रेगुलरली आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, चलिए इसे फटाफट देख लेते हैं। सैलड बनाने के लिए एक बाउल में स्पिनच को फ्रेश कर लेंगे हम। इसके लिए हमने इसमें चिल्ड वाटर और आइस क्यूब्स डाल लिया है। इसमें आप बेबी स्पिनच लीव्स डाल लेंगे ताकि एकदम फ्रेशनेस रिटेन करके रखें। ऐसा करने से स्पिनच क्रिस्पी हो जाएगी थोड़ी सी और एकदम फ्रेश फील आएगा हमारे सैलड। इसे 2 से 3 मिनट सोक करने दीजिए। चलिए तब तक बाकी कॉम्पोनेंट्स तैयार करते हैं। अब दिखाए गए तरीके से आपको चीज़ को कट कर लेना है। मैंने 2 तरीकों से दिखाया है यहाँ पर। ट्रायंगल्स छोटे छोटे काट लेंगे तो हर बाइट में चीज़ आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। चीज़ कट करने के लिए आप शार्प नाइफ का यूज़ कीजिए ताकि ये आसानी से कट जाए और आपके हाथ में भी कोई चोट नहीं आए। ये बेबी ट्रायंगल्स के चीज़ क्यूब्स डालने से एक बहुत ही बढ़िया लुक आता है हमारे सैलड को, तो कोशिश कीजिए आप ऐसे ही इसे यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ले लेंगे और इसका टॉप ग्रीन पोर्शन को कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जैसे कि आपको दिखाया गया। अगर स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे 2 से 3 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी स्ट्रॉबेरीज कट कर तैयार हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। एक नॉनस्टिक पैन में 50 ग्राम पीकन, 5 से 7 वॉलनट्स और 8 से 10 आलमंड्स ले लेंगे। ये सारे विंटर ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें ऑयल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इन्हें हमें अभी ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये विंटर्स में बहुत फ़ायदा करते हैं तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं इस सैलड में। 1 से 2 मिनट इन्हें ड्राई रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जैसे ही आता है तब हम इसे ऑफ कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने के बाद में जो हमारी स्पिनच लीव्स हमने सोक करके रखी थी, अब उसे एक किचन टॉवल पर निकाल लेंगे और इसे खुला खुला रखेंगे। यहाँ पर हमें इसमें से एक्सेस पानी निकाल लेना है और इसे पैट ड्राई करना है ताकि हम आगे हमारा सैलड बना सकें। स्पिनच लीव्स यहाँ पर सूख कर रेडी है। चलिए अब इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए आपको एक बाउल में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लेना है। इसमें 1 चम्मच शहद मिला लेंगे। आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच रॉक सॉल्ट या खड़ा नमक, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सबको डालकर अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे या मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए और पूरा डिजॉल्व हो जाए। अब एक मिक्सिंग बाउल में स्पिनच लीव्स को डाल लेंगे। इसी के साथ हमारी कट करी हुई स्ट्रॉबेरीज, साथ ही में कट करा हुआ चीज़ क्यूब्स और जो हमारे ड्राई रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी डाल लेंगे। अब इसमें हमने जो तैयार करी हुई ड्रेसिंग है वो डाल लेंगे और इसे आपको हाथ से मिलाना है। उसके बाद हाथ से मिलाने से ड्रेसिंग इवनली लग जाएगी पूरे लीव्स में, स्ट्रॉबेरीज और ड्राई फ्रूट्स में, और इसका हमें हर बाइट में अच्छे से फ्लेवर आएगा। 1 मिनट अच्छे से मिलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ड्रेसिंग अच्छे से कोट हो गई है और सैलड अब सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे बढ़िया तरीके से सर्व कर लेते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसे हाथ से ही प्लेट करें ताकि आप सब कुछ बराबर तरीके से अरेंज कर पाएंगे और इसका जो फाइनल लुक आएगा वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमारा शानदार स्ट्रॉबेरी और स्पिनच सैलड रेडी है। इसे फ्रेश सर्व कीजिए, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए और सबको इम्प्रेस कीजिए। बहुत ही यूनिक और रिफ्रेशिंग सैलड रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए बाफनाज रसोई को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून। बाय।